खबर उत्तर प्रदेश बिजनौर से, जहां से बांग्लादेश जैसी तस्वीरें सामने आ रही। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, इसकी तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन बिजनौर में एक मोहल्ले के अंदर 20 परिवार अपना घर छोड़ने पर मजबूर है। ये लोग इस कदर खौफजदा हैं कि अपने घरों के बाहर लिख चुके हैं कि मकान बिकाऊ। एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं, इसमें देखिए आप क्यों बिजनौर में हिंदुओं के साथ बांग्लादेश जैसा कांड हो रहा है। ये घर बिकाऊ है, ये मकान भी बिकाऊ है। इसके आगे वाला घर भी बिकाऊ, इस मोहल्ले का हर घर ही बिकाऊ। यहां हर घर की दीवार पर काली स्याही से लिख दिया गया है, ये घर बिकाऊ। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को उनका देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो वहीं अब यूपी के बिजनौर में भी बांग्लादेश वाला कांड हो गया है। तस्वीरें देखिए, यह है बिजनौर के चांदपुर नगर का मोहल्ला सरायरफ। यहां के हिंदू बहुल मोहल्ले के करीब 20 परिवार अपना घर बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। यही वजह है कि इन सभी लोगों ने अपने घर की दीवार पर लिख दिया है, ये घर बिकाऊ। दरअसल इस मोहल्ले की एक लड़की को मुजम्मिल नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर अपशब्द कर, आरोप है कि मुजम्मिल पीड़िता को आते जाते छेड़ा करता था। लड़की के भाई ने इसके बाद आरोपी को फोन करके धमकाया, लेकिन इसके जवाब में मुजम्मिल ने पीड़िता के भाई पर ही हमला कर दिया। लड़का है मोहम्मद का, उसका नाम है मोहम्मद मुजम्मिल जी। उसने व्हाट्सएप पर जो है छेड़छाड़ की है और गंदी गाली लिख के भेज दी है। किसके पास? हमारी लड़की के पास। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद में जो है लड़की ने अपने भाई से कहा, उसके भाई ने मोबाइल पर उसको उल्टा गाली दी। मैं आ रहा था झाड़खंड से, साथ चढ़ा गए, वहाँ पे मुझे रास्ते में घेरा। किसने? मुसलमानों ने मुझे बहुत मारा वहाँ पे। फिर मैं आ गया गाड़ी खड़ी करने, फिर बाद में मुझे यहाँ से ले गए, फिर मुझे यहाँ पे मारा मस्जिद पर, फिर मुझे मारा नाले पे। आरोपी मुजम्मिल ने न सिर्फ पीड़िता के भाई की पिटाई की बल्कि उसके घर पर भी हमला बोल। लड़के को घर से बुला के ले गए। कौन? तो उसके यार दोस्त। किसके यार? अच्छा, मुजम्मिल। फिर? और हमारे घर से 200 मीटर के दायरे में जो है नाला पड़ता, वहाँ पे जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया। लड़के को धोखे से वहाँ बुला लिया गया और वहाँ पर 800-900 आदमी मौजूद थे। अच्छा, लड़के थे और वहाँ पे घेरा बना के जो है इस लड़के को इतना मारा है कि अगर प्रशासन को फोन न किया जाता तो शायद इस लड़के को जान से खत्म कर देते। पुलिस प्रशासन। लेकिन इस मामले में एक और ट्विस्ट, आरोप है कि पुलिस ने पहले तो पीड़िता के भाई के खिलाफ ही एक्शन ले लिया और उसे थाने लेकर चली। पहले दबंगई का शिकार और उसके बाद पुलिस का एक तरफा एक्शन। इसी से परेशान होकर पीड़ित परिवार समेत पूरे मोहल्ले के 20 परिवारों ने अपने मकान पर लिख दिया है, ये घर बिकाऊ। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस अधीक्षक ने इसका संज्ञान लिया और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। इतना ही नहीं, पीड़िता के घर पहुंचकर सभी को समझाया बुझाया। एक समुदाय के लोगों द्वारा अपने मकान पर मकान बिकाऊ लिखा दिया गया था, जिसे समझा बुझा करके इसे हटवा दिया गया है और मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। मौके पर शांति बनी हुई है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। बांग्लादेश में तो हिंदुओं की दुर्दशा हो गई है, कट्टरपंथियों के इशारे पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन क्या अब हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश वाला ये मॉडल चलेगा? क्या हिंदुस्तान में भी हिंदू पलायन करने को मजबूर हो जाए? राजवीर चौधरी, बिजनौर, Zee News.